अगर इरादों में दम हो तो क्या नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के पिहानी में एक व्यक्ति ने दिया है। इस व्यक्ति ने बैंक में ब्रांच मैनेजर की नौकरी को छोड़कर कृषि यानी खेती को अपनाया है और एक नया मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई के पिहानी कस्बे के रहने वाले अम्मार जैदी ने MBA की डिग्री हासिल करने के बाद ICICI बैंक में ब्रांच मैनेजर की नौकरी हासिल की थी। अम्मार के पिता हमेशा से ही खेती किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते आए थे। इससे अम्मार प्रभावित हुए और डिग्री हासिल कर नौकरी कर लगने के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई, जिसके चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वापस अपने घर लौट आए। यहाँ उन्होंने अपने किसानी के शौक को पूरा करने के लिए खेती बाड़ी करके जो निर्णय लिया वे बहुत ही मुश्किल था, लेकिन किसानी शुरू करने के बाद अम्मार ने अपनी काबिलियत के चलते इस क्षेत्र में एक नया आयाम हासिल कर लिया और वे एक आज एक सफल किसान हैं। अब अम्मार अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। वह आकाशवाणी पर देश के किसानों को वैज्ञानिक तौर तरीकों से खेती करने के गुर सिखाते हैं। उनकी फसल किसानी के लिए उन्हें देश व प्रदेश स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। आत्महत्या करने के मामले रोजाना संज्ञान में आ रहे थे। उनको बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने समझाने का बहुत प्रयास किया, साथ ही उनको नौकरी ना छोड़ने की सलाह भी दी, लेकिन अम्मार ने अपनी लगन से किसी की ना सुनी। आखिरकार अम्मार ने एक सफलता हासिल कर अपने आप को साबित किया, साथ ही उस मुश्किल भरे दौर में किसानी शुरू कर नए प्रयोगों के आधार पर अपनी एक अलग से पहचान बनाई। आज अम्मार किसानी के क्षेत्र में अपनी एक अलग छवि बनाए हुए हैं और देश के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। इसी के साथ अम्मार को प्रदेश व देश स्तर के किसान समारोह में सम्मानित भी किया जा चुका है। ये आप कौन हैं, क्यों नौकरी छोड़ी आपने और ये क्या यहाँ पे करने आए हैं आप? मैंने MBA किया हुआ है और मैं बहुत सारे फाइनेंशियल हाउसेस और कॉरपोरेट्स में काम करते हुए 2014 में मैं ICICI बैंक में एज एन ब्रांच मैनेजर था और उस वक्त मैंने जॉब से रिज़ाइन करके एग्रीकल्चर करना जो है शुरू किया था। क्यों छोड़ी जॉब? जॉब छोड़ने का क्या? थोड़ा सा घर में खेती होती थी बचपने से, उस माहौल में परवरिश भी पाई थी और कुछ हमारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी था। और बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि जब मैंने रिज़ाइन किया है तो उस वक्त फार्मर सुसाइड की बड़ी घटनाएं हो रही थी नागपुर महाराष्ट्र में, तो मेरे बॉस ने मेरा रिजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट किया। मेरे HR ने मुझे बहुत समझाया कि अमर तुम उस सेक्टर को ज्वाइन करने जा रहे हो जहाँ पे सुसाइड हो रहे हैं, लेकिन अब मेरी जब बात होती है तो मैं यही बातें करता हूँ कि आप TDS पे करते हो और यहाँ पे हम सब्सिडी अवेल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये फ़र्क था। एक इंटरेस्ट कह सकते हैं, मेरा अपना इंटरेस्ट था कि मैंने फार्मिंग करना शुरू किया। क्या शुरुआत में दिक्कतें आई थी और क्या मुकाम इस समय आपने हासिल किया? दिक्कतें तो थी, लाइक एकदम ज़ीरो नहीं था मैं, लेकिन खेती कभी करी भी नहीं थी तो वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन लोगों के संपर्क में आता गया, सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़रिए बड़े बड़े फार्मर से कनेक्ट हुआ, उनसे बातचीत हुई और मैंने मेजरली फोकस जो है वो गन्ने पे किया था एंड एज ऑफ नाउ मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और काफ़ी कुछ मैंने हासिल कर रखा है। अभी पिछले 4-5 महीने पहले शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट करनाल ने इंडिया से करीब ऑल इंडिया उन्होंने 50 प्रोग्रेसिव फार्मर्स का उनकी प्रैक्टिसेस को लेके एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, तो फॉर्चुनेटली आई वाज वन ऑफ अमंग देम। और इसके अलावा आकाशवाणी लखनऊ से भी मेरे 3-4 बार टॉक शोज़ जो हैं वो प्रसारित हो चुके हैं किसान की ज़ुबानी, वो किसान और विज्ञान करके एक प्रोग्राम में, और यहाँ शुगर मिल के भी मैं प्रोग्रेसिव फार्मर्स के पैनल में हूँ और इनोवेशन मैंने काफ़ी कुछ किए हैं क्या नाम है शुगर केन फार्मिंग में। पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ शोध किया हो आपने, कुछ रिसर्च की हो? एक्चुअली है क्या, जो यहाँ पे गन्ना लोग करते हैं, किसान करते हैं, वो वही ट्रेडिशनल उसके ऊपर प्रैक्टिसेस के ऊपर बिलीव करते हैं, लेकिन मैंने जो एक्सपोजर मुझे मिला, इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर के भी बहुत सारे फार्मर से कनेक्शन हम लोगों का है, हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसके ऊपर हम लोग थॉट एक्सचेंज करते रहते हैं, तो लाइक यहाँ पे जो नॉर्मल प्रैक्टिस है किसान ये सोचता है कि जितना घना हम गन्ना बोएंगे उतनी ज़्यादा
पैदावार हमारी होगी, जबकि ये उनका सोचना बहुत गलत है। तो मैं वाइडर रोज में जाता हूँ। नॉर्मली किसान यहाँ पे हमारे यहाँ एक एकड़ में 25 से 30 कुंटल तक वो सीड डालते हैं। मैं 8 से 10 कुंटल के सीड में एक एकड़ गन्ने की बुआई करता हूँ और प्रोडक्शन हमारा भी उनसे काफ़ी ज़्यादा होता है। हेल्दी केन होते हैं, फसल रोग मुक्त रहती है और पैदावार भी ज़्यादा होती है। जो मौजूदा सरकार ने किसानों के लिए बिल लाई है, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, इससे क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है? मौजूदा जो बिल आया है, मैं एक किसान की हैसियत से ये बिल किसान के फ़ायदे में बिल्कुल नहीं मैं मानता हूँ। इसमें तीन जो बिल आए हैं, उसमें मेन एक बिल है किसानों की जो सबसे मुख्य मांग है। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी को एमएसपी पे ख़रीद जो है वो सुनिश्चित किए जाना। मेरा कहना है कि वी आर द फार्मर्स और हम कॉरपोरेट से कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। हमारी हैसियत नहीं है, मेरे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कैपेसिटी नहीं है कि हम कॉरपोरेट से मुकाबला कर सकें। तो इसलिए मुख्य मांग हम लोगों की यही है कि जो भी उपज हमारी है उसकी ख़रीद कम से कम, हम हायर साइड पे नहीं मांग रहे हैं, हम लोअर एक बेंचमार्क आपसे मांग रहे हैं कि आप वो सुनिश्चित कर दें। उसके बाद फिर कंपटीशन होता रहे, जो हेल्दी प्राइस दे उसके ऊपर फार्मर बेचे ना बेचे, वो सारी चीज़ें हैं। और दूसरी, मैं एक बहुत अहम जो सवाल मैं उठाना चाहता हूँ कि जितनी भी इस वक्त गवर्नमेंट्स का जो फोकस है वो खेती को कमर्शियलाइज किया जाना है। मैं इसके भी एक हद तक मैं ख़िलाफ़ हूँ। मेरी मांग है कि खेती की नैसर्गिकता और किसान की मौलिकता को बरकरार रखते हुए आप खेती के लिए कुछ अच्छे सुधार लेके आए। बेसिकली भारत में हम एक कृषि प्रधान देश हैं और खेती भारत में एक व्यवसाय नहीं है, ये एक तरह से एक उपासना आप कह सकते हैं, एक दिनचर्या आप कह सकते हैं, एक कल्चर है, एक संस्कृति है खेती हमारा। तो इसको आप कॉमर्शियलाइज ना करें, हमको किसान रहते हुए आप हमारी दशा को सुधारिए। आपका नाम और कैसे? मैं अमर जैदी, पिहानी, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.